अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज समीनाज डेली रूटीन में मैं चने की दाल का हलवा बनाऊंगी। ये मैंने 1 किलो दाल ली थी, इसे 2-3 घंटे भिगो दिया था और ये अच्छी सी जो है वो फूल गई है। अब मैं इसमें 3 गिलास पानी डालूंगी, ये 2। हमने इसको इतना गलाना है कि ये बिल्कुल आराम से मैश हो जाए। और ये 3 गिलास, अब इसको हाई फ्लेम पे पहले ये इसमें वो स्टीम बन जाए और उसके बाद जो है वो 20 मिनट तक हम इसको हल्के फ्लेम पे जो है वो पकाएंगे। और फिर जब ये आगे की वीडियो होगी वो मैं फिर आपको बताऊंगी। 1 किलो चने की दाल के लिए मैंने 2 किलो दूध लिया है। मैं इसको अच्छी तरह पकाऊंगी ताकि गाढ़ा हो जाए, फिर मैश किए हुए चने की दाल में मैं इसको डालूँगी ताकि हमें भूनने में आसानी हो। देखिए नाज़रीन, अब इसमें पानी खुश्क हो गया है और थोड़ा सा पानी है। अब मैं इसको मैश कर लूँगी अच्छे से और अब इसमें मैं वो दूध डाल दूँगी। 2 किलो मैंने दूध लिया था इसके लिए और मैंने उसको गाढ़ा कर लिया। हम इसमें डाल के इसको अच्छे से मैश करते हैं, फिर आगे मैं वीडियो में बताती हूँ। ये दूध मिक्स कर लिया है, अब इस दूध में पकेगा खूब अच्छा सा चीनी। ये 1 किलो दाल थी तो 1 किलो ही मैं चीनी इसमें डालूँगी। 2 किलो दूध या थोड़ी सी चीनी आप आधा कप कम कर लें अगर मीठा कम पसंद है। देखिए नाज़रीन, इस हैंड ब्लेंडर से भी हम इसको कर सकते हैं। अभी क्रीमी सा हो गया इसका टेक्सचर। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी 1 किलो, अगर किसी को पसंद है तो वो ये पूरी के बराबर की डाले, नहीं तो 1 किलो में आधा कप कम कर दे। मैं 1 किलो ही डालूँगी। चीनी मैंने डाल दी है। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो घी में बना लें, मैं इसको ऑयल में बनाऊँगी। इसमें 1 कप ये 1 एंड अ फोर्थ कप डाल रही हूँ मैं ऑयल। और ये कुटी हुई इलायची हैं, ये मैं डाल रही हूँ 8 से 10 अदद। और अब हम इसे अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, फिर चूल्हा जलाएंगे हल्की बिल्कुल आंच पे। और हमें इसे देखते रहना है, नहीं तो ये नीचे लग जाता है जल्दी से। ये बनाना लोग इसीलिए इसको नहीं बनाते हैं कि इसमें मेहनत होती है बहुत ज़्यादा और ये नीचे बहुत ज़्यादा लगता है। तो हैवी पैन का जो है, हैवी बॉटम का पैन लें आप ताकि ये कम से कम जो है वो नीचे लगे और इसको मुसलसल चलाती है। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया और मैं इसके नीचे फ्लेम ऑन कर रही हूँ। मैंने फ्लेम ऑन कर दिया, बिल्कुल मैं इसको हल्का कर रही हूँ। जब ये भुनने पे आएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगी। फिर हम इसमें बादाम डालेंगे और जो भी डालना चाहे, किशमिश अपनी पसंद है, जो भी नट्स पसंद है वो डालें। कलर देखें नाज़रीन कितना खूबसूरत है इसका। ये देखें नाज़रीन, ये मैंने काफ़ी कसा है, अब हमारा ये हलवा भुन गया है।
अब इसमें मैं इसे डिश आउट करूँगी, थोड़ा नट्स डालूँगी, फिर आपको बताती हूँ। देखिए मैंने डिश आउट कर दिया है। नाज़रीन अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पे पहुंच जाए। शुक्रिया।